सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो एंड अदर टाइप ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट निकल के आता है यहाँ पर वो है ओप्पो R17 को लेकर। ओप्पो R17 का एक ग्रीन कलर जल्दी ही चाइना में लॉन्च होगा। इसका कुछ फोटो सामने निकल के आया है इसका, और जो फीचर्स है इस फोन का वो है इसका 6.5 इंच एमोलेटेड डिस्प्ले फुल HD प्लस के साथ आता है ये। इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 710, 8GB का रैम है, 128GB का इंटरनल मेमोरी है, पर आप उसे माइक्रो SD कार्ड से पढ़ा सकते हो। इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट है इसलिए। इसका बैटरी है 3700mAh का और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट S3X को लेकर। ये इन्फिनिक्स हॉट X3X लॉन्च होगा इंडिया में जल्दी ही, और इसका कुछ फीचर्स है वो है इसका स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर है, 3GB का रैम है, 32GB का इंटरनल मेमोरी है, 6.2 इंच का ये नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, ये 8.1 ओरियो में चलता है। इसका बैक कैमरा 13+2 है और इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल। बैटरी है 4000mAh का बैटरी और इसका प्राइस है 49 यानी कि 9999 यानी कि 10,000 रुपीज। और ये फ्लिपकार्ट जो बिग दिवाली सेल है 1 से 5 नवंबर का, इसमें आप इसे परचेस कर सकते हो। ओवरऑल ये मेरे ख्याल से ये गुड फोन है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताना जरूर कि आपको इस फोन के इंटरेस्ट है या नहीं। तो अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पर Honor Magic 2 को लेकर। Honor Magic 2 का कुछ फोटो यहाँ पर लीक हो गया है। ये 31 अक्टूबर यानी कि इस महीने 31 अक्टूबर को ये लॉन्च हो सकता है। इसका कुछ फीचर से स्लाइडिंग मैकेनिज्म है जैसे आप मिक्सी MI मिक्सी Vivo Find X में देखते हो, वैसे ही स्लाइडिंग मैकेनिज्म है इसमें। उसके बाद आता है 6 इंच डिस्प्ले फुल HD प्लस है, बैक कैमरा 12+12 डुअल है बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का, रैम है 6GB का रैम और इंटरनल मेमोरी 32GB है। इसका 3300mAh बैटरी भी है और ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 9.5 में चलेगा। और इसका प्राइस जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो है 40,000 रुपीज। तो इसके बाद जो अपडेट निकल के आता है वो है Lenovo Z5 Pro को लेकर। Lenovo Z5 Pro नवंबर का 1 तारीख यानी अगले महीने को 1 तारीख ये लॉन्च होगा। इसका कुछ फीचर्स है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, इसका भी स्लाइडिंग मैकेनिज्म है जैसे Vivo Find X MI Mix 3, इसका भी स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है इसमें, स्नैपड्रैगन 845 का पावरफुल प्रोसेसर है, 6GB और 8GB रैम हो सकता है, दोनों वेरिएंट आता है इसमें, और इंटरनल मेमोरी जो है वो है 64GB 128GB और 256GB इंटरनल मेमोरी, ये 3 वेरिएंट इंटरनल मेमोरी के वेरिएंट में आता है। 4000mAh का बैटरी है, फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, बैक कैमरा है 16+16 डुअल बैक कैमरा है। और इसके बाद जो अपडेट निकल कर आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 को लेकर। मैंने अगले टेक न्यूज पर ही बोला था पिछले टेक न्यूज पर ये सैमसंग गैलेक्सी S10 अगले साल को लॉन्च होगा। तो इसका भी कुछ फीचर्स या लीक जो आप जो भी बोल सकते हो वो सामने निकल के आया है। ये 5G में होगा और इसका 12GB रैम भी होगा, और 12GB रैम एक और फोन में भी होगा वो है Huawei P30 Pro में, वो भी अगले साल लॉन्च होने का चांस है, इसमें भी 12GB का रैम होगा। तो देखते हैं क्या होता है अगले साल। बहुत बहुत से फोन आ सकते हैं, ज्यादातर 5G वाला जो लीक आ रहा है
वो अगले साल ही आ रहा है तो देखते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप 5G को लेकर इंटरेस्ट हो, और कोई 5G स्मार्टफोन निकल के आया तो क्या आप अगले साल उसे परचेज करोगे, और वो कौन फोन होगा आप नीचे मुझे जरूर बताना कमेंट में। तो बस यही था आज के सारे अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। सो गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।